ओम अज्ञानतिमिरामभस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छापि वृन्दावनेश्वरी वृषभाय सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै दीप्तासिकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करि चरण बंदन जाहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण तमादि देव करुणा निदान तमाल वर्णम सुविदा अपार संसार समुद्र सहितो भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृण्डम द्वैपायन विरहकातरभाजभावम् पुत्रेति तन्मयतयातरबोधुनेदुम् स्तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमायण तस्मि नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम् ततो जय मुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ धर लो हरे कृष्ण बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद गरिमा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद गरिमा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री महादेव जी अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण इसका इको न थोड़ा करना चाहिए। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे सवनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, तब सुत गोस्वामी ने उसको उत्तर दिया था। बोले कलयुग के बलना माधारा कलयुग के बलना सुमेरे सुमेरे नारा उत्तर
गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम से ही जीव का उद्धार होने वाले। इसलिए रामायण में एक सुंदर कथा थी। एक समय कैवर्त नाम का देश के एक राजा था जिसका नाम था सुकामा। एक दिन ये जा रहे थे सत्संग में, ये सुमेरु पर्वत के ऊपर में संतों की बड़ी समागम चल रही थी। जब सुकांत जी जा रहे थे इतने में श्री नारद बाबा जी आ रहे। नारद जी पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत में आज सत्संग होने वाला है, हम सत्संग में जा रहा हूँ। बोले बेटा सत्संग में जाकर के सर्वप्रथम संतों का चरण स्पर्श करने चाहिए। बोले आप लोगों ने तो सिखा दिया है, पहले संतों का पहले चरण स्पर्श करने चाहिए। जब फिर जा रहे थे बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले एक काम करो, वहां पर जितने संत बैठे हुए होंगे सबका तो चरण स्पर्श करना, लेकिन वहां पर विश्वामित्र जी होंगे। बोले हाँ। बोले केवल उनकी चरण स्पर्श नहीं करना। बोले ऐसे क्यों? बोले बोल दिया ना, वो भी पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ही ये ब्राह्मण बने, ये साधु बने, वो भी क्षत्रिय थे, तुम भी क्षत्रिय है, इसलिए केवल उनकी चरण स्पर्श नहीं करना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। सारे संत समागम बैठे, सुकांत जाकर के सब संतों का चरण स्पर्श, लेकिन केवल श्री विश्वामित्र की ही चरण स्पर्श नहीं किए। अगर सारे संत बैठे हुए सबका चरण स्पर्श करो और एक को मत करो फिर क्या होगा? अपमान है ना। जब ये सत्संग समाप्त तो हुई, विश्वामित्र क्रोध से तमतमाते हुए अयोध्या में राजा राम के पास में पहुंचे। उसी समय में भगवान राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी दरवाजा पर खड़े थे। बोले अभी अभी भगवान राम से मैं मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले जिस देश का राजा इसे विश्राम करते हैं उसी देश में ही यही काम होता है। बोले विशेष जरूरत अभी मिलना चाहता हूँ। बोले थोड़ी सी अपेक्षा कर लो। बोले नहीं, अभी अभी राम से मैं मिलना चाह रहा हूँ। प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, इतने में इनका नींद खुल गई। प्रभु राम बाहर निकल कर आए और गुरु जी की चरण स्पर्श थी। बोले गुरु जी क्या बात है? बोले बात क्या है? सुकांत ने सारे संत बैठे हुए थे उन्होंने सबका चरण स्पर्श की, केवल मेरी चरण स्पर्श उसने नहीं किया। बोले जिस दुष्ट ने, प्रभु राम बोले, जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी की चरण को स्पर्श नहीं कराया, सर को नहीं नमाया, कल सदरे का मैं सर काटूंगा। अभी भगवान सत्य व्रत है, वो जो प्रतिज्ञा करते वो सत्य होता है। अभी ये बात धीरे 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 सुकांत के पास में पहुंचा तो इतने में तो सुकांत ने जब देखा, स्वयं जब ठाकुर जी प्रतिज्ञा किए हैं कल सूर्यास्त के बाद में मेरे सर काट देंगे, भगवान का प्रतिज्ञा तो कभी नष्ट नहीं होता। उसने तो उन्हें रोने लग गए, बच्चे को ना गोद में ले लो, फिर कोई कथा नहीं सुनेगा, इसको सब देखोगे, ये बच्चे को लेकर गोद में बैठ लो। इसलिए इतने में रामचंद्र जब प्रतिज्ञा की, अभी सुकांत जी के कान में पड़ा तो उसने तो रोना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नारद जी को ढूंढना प्रारंभ की, लेकिन नारद जी मिल ही नहीं रहे थे। बोले जिस समय वो ढूंढ नहीं रहे थे उस समय तक नारद जी मिल गए, अभी वो ढूंढ रहे नारद नहीं मिल रहे। इतने में नारद जी प्रभु का कीर्तन करते करते श्री नारद जी उपस्थित हुए। बोले क्या बात है? बोले कल मैं मरने वाला। बोले भैया मरते जगह नहीं है, एक दिन तो सबको मरना ही पड़ेगा, तुम क्या कोई दुनिया में कोई मरना चाहता है? बोले कौन मारा? बोले प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की। बोले और भी अच्छी बात, अगर प्रभु का हाथ में मृत्यु हुआ तो सीधा मुक्ति तुमको मिलेगी, तुम्हें दुखी क्यों हो रहे हो? बोले नहीं, मैं तो मरना नहीं चाह रहा हूँ। बोले एक काम करो, जा हनुमान जी की माता से अंजना चरण में चले जा। अभी आ करके माता अंजना की चरण पकड़ करके रोने लग गए सुकांत जी। मैया का हृदय तो बड़ी कोमल होता है, बड़ा उदार होता है। बोले बेटा क्या बात है? बोले बात तो बड़ी गंभीर बात है, अपने पहले ये कसम खाओ, मेरे प्राण को बचाओगे फिर जाकर
ये बात बता। बोले बेटा कोई बात नहीं, ये प्राण दे करके भी मैं तेरे प्राण को भी बचा वाला हूँ। बोले ऐसे ऐसे श्री विश्वामित्र जी ने हैं विश्वामित्र जी मेरे को मरवाना चाह रहे हैं, मुझे बचाना पड़ेगा। बोले बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को प्राण दे करके भी तेरे प्राण को मैं बचाऊंगा, जाओ अंदर में बैठ गए। इतने में श्री हनुमत लाल जी सामने प्रभु की सेवा करते हुए जब हनुमत लाल जी वापस आए, देखा मैया अंजना बड़ी दुखी होकर के बैठी, उन्होंने माँ की चरणों को स्पर्श किया। मैया तुम दुखी हो, किसके लिए तुम दुखी हो, बताओ तुम्हारी दुख का कारण क्या है। बोले बेटा तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले मैया बताओ क्या आदेश है। बोले एक व्यक्ति शरणागत हुई है, उनका प्राण को बचाना पड़ेगा, इसलिए विश्वामित्र जी मरवाना चाह रहे हैं। बोले कोई बात नहीं भैया, मैं प्राण देकर भी उसका मैं प्राण रक्षा करूंगा। बुलाया सुकांत जी को, क्या बात है। बोले बात ये है, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कल सवेरे मेरे प्राण को विनाश करेंगे, मेरे सर काट देंगे। बोले तुमने तो बता रहा था कि आप विश्वामित्र मरवाना चाह रहे हैं। बोले हाँ श्री विश्वामित्र ही राम को द्वारा मरवाना चाह रहे हैं। इतने में हनुमान जी तो बीच में फंस गए। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब स्वयं भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं मारने के लिए, तो उनकी प्रतिज्ञा को कौन तोड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तुम्हारे प्राण को हम रक्षा करने वाले। इतने में हनुमान जी बोले कोई चिंता मत कर, तुम यहीं पर रहो। एकदम सवेरे सवेरे हनुमान जी पहुंच गए अयोध्या में। भगवान राम अपना धनुष बाण लेकर के तैयारी हो रहे थे। बोले प्रभु कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोले ये सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु क्यों एक जीव को मारो, बात छोड़ना। बोले नहीं, उसने अपना सर को मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। जो सर को मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, उसका सर को मैं काट डालूंगा। इतने में हनुमान ने कहा प्रभु मैंने भी उसके बात दिया है उसको रक्षा करने वाले। बोले तुमने कैसे बात दे दिया, तुम जो कुछ करना करना करो, मैं तो कल आज उसको सर जरूर मैं काटूंगा। इतने में हनुमान जी गए। बोले सुकांत चलो मेरे साथ में आओ। सुकांत जी को लेकर चले गए। बोले मेरे पीछे बैठ जाओ, हम दोनों चलो, हम ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा रघुपति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा रघुपति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा रघुपति भगवान राम वहां पर पहुंचे। पहुंचे तो वो तो हनुमान जी की शरण में है। इतने में हनुमान जी कह रहे बेटा कोई चिंता मत करो, प्रभु का नाम ही जप करो।
सुकांत कह रहा है मेरे प्रभु ये राम तो केवल दो अक्षर का क्या इसी नाम से बच जाएगी, बोले बेटा कोई चिंता मत करो क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम, कोई चिंता मत करो प्रभु का नाम जप करो। एक में तो डर से जप कर रहा और एक प्रेम से जप कर रहा है, हनुमान जी प्रेम से जप कर रहे हैं और सुकांत जी वो डर से प्रभु का नाम जप कर रहा था। इतने में भगवान राम वहां पर पहुंचे, जब पहुंचे इतने में भगवान राम ने धनुष उठाया, जब उन्होंने धनुष उठाया उन्होंने सुकांत के ऊपर में जो प्रहार किया, लेकिन वो प्रभु का नाम जप कर रहा था, वो नाम रूपी चक्रों का अंदर में बैठा हुआ है, हैं? इसलिए भगवान का जो नाम है भागवत में बताया बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिर्नत्वार नाम नामिन। बोले भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या है? जो प्रभु का नाम से मांगो नाम वही मिलता है। भगवान का जो नाम है यही रस स्वरूप है, यही आनंद स्वरूप भगवान का नाम है। और अभिर्नत्वार नाम नामिन, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम। वो तो नाम रूपी चक्र को अंदर में बैठा हुआ प्रभु का नाम जप कर रहे हैं और नाम उनको रखवाली कर रहा था ना। भगवान धनुष बाण प्रहार किया तो वो जा करके तो लगता है लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है। प्रभु जितने बाण मारे लेकिन उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, वो बाण जाकर लग करके अपने आप गिर जाता है। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु का बड़ा दंग रहा है, प्रभु का बाण ही कोई काम नहीं कर रहा है। हनुमान लक्ष्मण ने उठाया धनुष ने बाणा मार बना किसको, हनुमान जी को ऊपर, क्योंकि हनुमान जी को पूछ कर नीचे बैठा हुआ था सुकांत। जब उसने बाण मारे लगा था हनुमान जी की हृदय में, लेकिन लगते ही प्रभु राम ने बेहोश हो गए, लगा हनुमान जी के हृदय में लेकिन बेहोश कौन हो गए, भगवान राम बेहोश हो गए। बोले क्यों, बोले हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हुए है, भगवान राम बैठे हुए। इसलिए रामायण में कथा आती है जिस समय माता सीता को लंका से उधार करके ले आए, मैया सीता इतने प्रसन्न हो गया हनुमान जी के ऊपर में, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना मेरी उधार होना बड़ा कठिन था, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। मैया सीता जी गले में एक नवला की हार उसने निकाल कर हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी एक एक मोती को निकाल करके देख रहा था और दांत में काट काट कर पी रहा था। मैया सीता जी को तो बड़ा क्रोध आ गया, ऐसे क्या बोलते हैं ये बंदर का आदर का क्या स्वाद बताया, अरे मैं तुमको इतनी कीमती हार दिए तो एक मोती को काट काट कर फेंक रहा हूँ क्यों। बोले मैया मैं देख रहा हूँ ये मोती में मेरी प्रभु राम और सीता जी की कोई छवि है कि नहीं, जिस मोती में मेरी प्रभु जी की कोई छवि नहीं हो हनुमान जी उसको धारण करते हैं। मैया सीता बोले बात तो भेड़ करते हो, क्या तुम्हारे शरीर में सीता राम है, फिर शरीर को फेंक दो। बोले देखना चाहता हूँ। बोले क्या दिखाओगे। इतने में श्री हनुमान जी अपना छाती को उन्होंने फाड़ करके उन्होंने दिखाया, जब छाती को फाड़े देखा उनका हृदय में सीता राम की वास है उनके हृदय में। इसलिए बाण मारे तो किसको ऊपर में, हनुमान जी के ऊपर में, लेकिन बेहोश हो गए सी प्रभु राम बेहोश हो गए। जब राम को होश आया इतने में श्री नारद जी बिना जब में प्रभु का नाम कीर्तन करते करते आए, प्रभु राम ने सुकांत जी को बोले बोले सुकांत जी ये बताओ तेरी ये जो दुर्बुद्धि है कौन सा असत संग में तुम्हारी दुर्बुद्धि हुई जो कि तुमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं की। बोले असत संग से नहीं, कहती है सत्संग से हुई है। बोले सत्संग से, बोले कौन सा सत्संग से, बोले श्री नारद जी मेरे को ये बात बताए थे। जब श्री नारद जी आए इतने में भगवान राम ने पूछा बोले नारद जी तुमने ये दुर्बुद्धि दिया कैसे। बोले प्रभु
मैं जहां जहां जाता हूं सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं। मैंने सोचा भैया कितने लोगों को कितना उत्तर दूं, ऐसे एक काम करता हूं जो सबको पता चल जाए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया है, इसलिए मैंने ये काम को इसलिए मैंने की है। इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए तो सुभद्र जी को हनुमान जी ने कहा देखो देखो गुरु जी आ गए, जाओ विश्वामित्र जी के चरण में तुम लेट जाओ। जब उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में लेट गए, संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं संत। इतने में विश्वामित्र जी को चरण में गिरे तो विश्वामित्र जी ने प्रभु राम को बोले प्रभु इसका अपराध को मैंने माफ कर दिया है, इसलिए आप भी उसको माफ कर दो भगवान। फिर विश्वामित्र जी को भगवान फिर सीता जी को माफ कर दी। ये बच्चे हैं ना, ये कथा आपको सुनने लगे, आप कथा नहीं सुनोगे, बच्चों को देखोगे इसलिए बच्चे को गोद मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि से बड़ा है तब कर 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 हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। प्रभु की कथा में ही रहते हैं, इसलिए जो काल इनके परमाय को नष्ट नहीं कर पाता है। ठाकुर जी का जो दूसरा अवतार भगवान बहा अवतार रूप में आए, जिस समय श्री मनु महाराज जी ये सृष्टि का प्रारंभ करना चाहते थे ये पृथ्वी है ही नहीं। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उनका नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। तो उन्होंने ये पृथ्वी को उद्धार की, तो फिर मनु महाराज ने ये सृष्टि को प्रारंभ करते हैं। ये भगवान के दूसरा अवतार है। बोले तीसरा अवतार रूप में बोले श्री नारद जी आए। ये जगत गुरु श्री नारद जी है, जिसको पास में जाए सब इनको गुरु जी कहते हैं। देवता को पास में जाए, दैत्य को पास में जाए, इंसान को पास में जाए,
विशेष करके नारद जी के चार ही चले हुए हैं, दो बालक हुए और दो वृद्ध हुए। बोले दो बालक में कौन हुए? बोले एक प्रहलाद और एक ध्रुव। हम आगे इनकी कथा सुनेंगे। इन्होंने 5 साल उम्र में ही उन्होंने ऐसे तपस्या की, उनको भगवत दर्शन हो गए। कहते हैं दो वृद्ध चले हुए, बोले कौन? बोले एक वाल्मीकि और एक व्यास। आप सब वाल्मीकि का नाम सब जानते हो, पहले ये दशरथ नामकर था। इन्होंने इतने ब्राह्मण को उन्होंने हत्या की थी, इनकी जन्म से उनको कुआ तक भी भर गया था। जब नारद से मिले, बोले ये बताओ तुमने ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, इसका अंशदार कौन बनेंगे, भागीदार कौन बनेंगे? बोले मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले देख ये सब पे सब सुख में तेरे साथ दे रहे हैं, दुख में तेरे साथ कोई देने वाले नहीं, जा तो पूछ कर क्या। तब वाल्मीकि गए अपना पत्नी से पूछे, बोले ये पाप कर्म करके ये पैसा मैं कमा रहा हूँ, तुम की अंशधार बनोगे कि नहीं? बोले क्यों, घर का मेरी बाहर का काम तुम्हारा, मेरे को पता नहीं तुम कैसे पैसे कमाते हो। अभी पूछे पिता माता जी से, बोले तेरे को हमने लिखा पढ़ा सिखाया, जन्म दिया, इतना बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाई ये हमें पता है, लेकिन तुम कैसे पैसा कमाते हमें पता नहीं। बच्चों से पूछे, बोले क्यों, हम तो अभी बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमको लालन पालन करना, जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे हम कैसे ही पैसा कमाते हैं, अभी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। बोले बाबा तो सही बता रहे थे। फिर उन्होंने वापस आए, बोले बाबा आप सही बता रहे हैं, ये सारा दुनिया सुख में सबके सब साथ है, लेकिन दुख में कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं, अभी बताओ मेरे कल्याण कैसे होगा। बोले बोलो राम, हम लोग बोले राम, बोलो राम, हम राम बोल दी, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से भगवान का नाम तक भी नहीं लिया। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए उल्टा नाम जप जगह जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले नाम ले तब सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन नाम आई, इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति है। आप लोग सब रामायण देखे होंगे, लव कुश देखेंगे ना टीवी में, इसलिए प्रभु राम आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख दिए, उन्होंने फिर उन्होंने लव कुश को उन्होंने पढ़ाया, इतना प्रभाव भगवान का नाम में। इसलिए जो नारद जी, ये जगत गुरु श्री नारद जी, इनके एक विशेष ग्रंथ है जिसका नाम है नारद पंचरत्न। हो सकता आप भूल करके वो ग्रंथों को पढ़िएगा, वो अद्भुत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में वो निरूपण करते हैं भगवान केवल प्रेम से भगवान मिलते हैं, ज्ञान कर्म योग से भगवान को प्राप्त नहीं होता, प्रेम ही भगवान को पास में जीव को ले जाता है, भक्ति। अभी भगवान का जो चौथा बता रहे हैं, कहते भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में ये बद्री का आश्रम में प्रभु तपस्या कर रहे हैं। भले भैया तपस्या हम करेंगे, ये ठाकुर जी तपस्या क्यों कर रहे हैं, इसके भी बड़ी रहस्य है। बोले एक दिन नारद जी किसी मरते जगत में आए, सब पास में गए, देखा जगत में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटे से दुखी, दुनिया में दुखी 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 देखा। इतने में नारद जी पहुंचे कहां पर, वैकुंठ में, देखा वैकुंठ में भगवान अनंतनाग पर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी और सारे भक्त लोग शांतागारम भुजग शयनम स्तुति कर रहे थे प्रभु जी को। इतने में नारद जी बोले प्रभु आप तो जगत का मालिक हो, बोले श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करते हैं उनको नीचे का व्यक्ति वही वही देख देख करके वही सीखते हैं। बोले नारद जी क्या बताना चाह रहे हो? बोले प्रभु ये दुनिया तो आपने बनाया। बोले हाँ। बोले मैंने घर घर में जा करके देखा, सबके सब दुखी, कोई भी संसार में सुखी किसको नहीं देता, क्योंकि शास्त्र में बताया हरी विमुख कभी सुख नहीं पावा,
भगवान से विमुख होकर के कहते लंकापति रावण को भी सुख नहीं लाया, हम कितने पैसा कमाएंगे और क्या कर लेंगे। वो व्यक्ति उतना सुखी जो जितने प्रभु की भक्ति करते हैं, वो उतना ही दुखी जो जितना ये मन को अपना माया में लगा देता है। बोले नारद जी फिर बताओ तुम क्या बताना चाह रहे हो, जगत का तो मालिक आप ही हो, आपको देख करके सब लोग सीखेंगे, थोड़ी सी अगर आप भजन करोगे ना फिर लोग आपसे शिक्षा पा करके भजन करेंगे, लेकिन आप तो लक्ष्मी को दिन भर लेकर पड़े हुए, दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को दिन को दिन भर लेकर पड़े, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़ रहे हैं। बोले ठीक है नारद जी, अभी मैं भजन करने जा रहा। भगवान भ्रमण करते करते पहुंच बद्रीनाथ आश्रम, बड़ा सुंदर स्थान। कोई गए हो बद्रीनाथ? कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाथ उठा दो। तो कौन कौन गए? एक बाबा गए और कोई गए नहीं। बद्रीनाथ बड़ा सुंदर स्थान है, जहां पर अलका नदी, जहां पर सुंदर कलकल नाद से भरी है, जहां पर भीम पुल है, सुंदर पर्वत है, सुंदर झरना है, अपूर्व स्थान, जहां पर तप्त कुंड है, बड़ा मनोरम स्थान बद्रीनाथ है। वहां पर पहले शंकर जी भजन करते थे, शंकर जी का स्थान था। भगवान नारायण ने देखा शंकर जी सहज में ये स्थान को छोड़ने वाले नहीं, इसलिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। वहां पर एक तप्त कुंड, रोज संत पार्वती वहां स्नान करने आते थे। इतने में ठाकुर जी एक छोटा बालक बन करके वही पर रोना शुरू कर दिया। शंकर जी आगे आगे जा रहे थे, भैया पीछे पीछे जा रहे थे। शंकर तो समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, बच्चा कहां से आएगा। और मैया पीछे पीछे आ रही थी, मैया की हृदय बड़ा कोमल है, छोटे बच्चे को देख कर गोद में उठा लिए। बोले प्रभु जी आपको ये छोटा बच्चा दिखा है नहीं? बोले पार्वती दाल में कुछ काला लगता है। बोले छोटा बच्चा, मैं इसको घर में सुला करके आती हूँ, आप चलो। उन्होंने सुला करके दोनों स्नान करके करने के लिए आए। जब वापस आए ना, वो तो स्वयं नारायण थे, जब उनको घर में सुलाया उन्होंने अंदर से ही कुंड बंद कर दिया। शंकर जी आकर दरवाजा खटखटाया, खोले नहीं। शंकर जी ने कहा तुमने देख लिया, पहले से तेरे को मैं सावधान करा था, ये दाल में कुछ काला है, तुमने अपना घर में सुलाया तो हमारा घर ही दखल कर लिया। शंकर जी ध्यान लगा करके देखे, कहते मेरे प्रभु जी। बोले प्रभु जी अगर आपको यही रहने की इच्छा तो आप यही रहो, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। फिर शंकर जी बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले गए। इसलिए भगवान ने वरदान दिया है, उनको पता है ये कलयुग का जो जीव है वो भगवान की भक्ति साधन भजन तपस्या नहीं कर सकते। कहते मैं ये बद्रीनाथ में तपस्या कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति कष्ट करके एक बार ये बद्रीनाथ में आए और मेरे को केवल दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसका छठवां भाग का फल केवल मुझे दर्शन करके ही उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति बद्रीनाथ एक बार जाएंगे और ठाकुर जी का दर्शन करोगे अपने आप तपस्या फल मिल जाएगी। बोले श्री बद्री विशाल की, जोर से कर लगाओ। बोले श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो अब लोग कोई जहाँ चाहते हो कितना हाथ उठा तो कौन कौन जाना चाहता, सबको ले चले जाएंगे। बताओ कौन कौन जाना चाहते, हाथ उठा कौन कौन जाना चाहते हैं, आपको सबको यहाँ से लेकर चलेगा। देखो एक छोटी सी कथा, जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, आपका सबसे सरल उपाय बताता हूँ कैसे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री एक दिन में कैसे दर्शन हो जाएंगे। जब कन्हैया जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोती की थी, हे केदारनाथ, हे बद्रीनाथ, हे गंगोत्री जमुनोत्री, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए मैं ये चार धाम जरूर होगा। अभी घर में कन्हैया जन्म हो गया, अभी नंद बाबा को चार धाम जाने चाहिए। एक दिन सारे ब्रजवासी बोले चलो हम सबके सब चार धाम करके आते हैं। कृष्ण ने देखा ये कहाँ चार धाम करने के लिए जाएंगे इतने दूर, पहले इतने आसानी नहीं था। जब पहले लोग जाते थे ये चार धाम बोलते थे अपना घर में हमारे सारे क्रिया कर्म कर लेने,
क्योंकि वहां से वापस आना इतने आसानी नहीं। घना घोर जंगल, बड़ी कष्ट से महीना महीना तक चले चलते चलो कहीं जाकर के दर्शन होता था। हर जीवन में एक बार कोई ये चार धाम कर ले, पर ये जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी पड़ना नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती थी। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले हैं। ये बोल रहे हैं जाएंगे कहां पर, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री जाएंगे। कहती है जो जमुनोत्री कौन है, जमुनोत्री ये जमुना देवी है। बोले जमुना देवी है कौन, बोले बड़ी सखी है। जब ये मथुरा में जाती है कहती है पटना में, कहती है गंगा कौन है, बोले ये मेरी चरणामृत है, मेरी चरणा से निकली है, ये मेरी दासी है। कहती है बद्रीनाथ कौन है, कहती है मेरे अंश का अंश का अंश का अंश ये बद्रीनाथ नारायण है। बोले ये केदारनाथ कौन है, बोले से भोले बाबा, ये मेरे परम वैष्णव है, ये मेरी परम भक्त है। और ये पता नहीं ये ब्रजवासी कितने कष्ट करके पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं। देखो ये रसखान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानत नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। जो व्यक्ति वृंदावन धाम को दर्शन कर ले, देखो बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, मतलब राधा रानी की जहां चरण गिरती हैं, राधा रानी जहां चरण रखती हैं, पग पग में प्रयाग है। प्रयाग इसको कहते हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी यहां पर मिलती है, प्रयाग है। बोले गोपिनी के द्वार कहे बसत है हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। इसलिए ये जो वृंदावन धाम, अगर कोई वृंदावन धाम दर्शन कर ले, 84 क्रोश ब्रज मंडल को दर्शन कर ले, एक वृंदावन नहीं विश्व ब्रह्मांड दर्शन जाता है। आप वृंदावन में जाओगे 33 करोड़ देवता, और गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे अयोध्या मथुरा काशी का सारे धाम श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी राधा रानी की आशीर्वाद लेने के लिए ये सब के सब से वृंदावन धाम आए। इतने में कृष्ण ने कहा, पिताजी ये केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री तो वृंदावन में ही है। बोले कहाँ पर, बोले चलो मेरे साथ में आपको दर्शन कराता। फिर नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण एक काम्य बन ब्रज में, एक काम्य बन ही उन्होंने उनको लेकर के उन्होंने फिर उनको चार धाम कराया। अगर आप एक दिन में चाहो ना ये सारे चार धाम को एक दिन में करके आ सकते हो। अगर आप लोग यहाँ कोई प्लानिंग बनाओगे, हमारे पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई प्लानिंग बनाओगे इनको साथ में, जब मैं वृंदावन में होऊंगा अगर आप लोग आओगे ना, बस आपको एक दिन में ये चार धाम आपका दर्शन कराएंगे। ठीक है, जब कोई प्लानिंग बनेगा पंडित जी को बताइएगा, इनको साथ में आने पर आपको सारे धाम दर्शन करा दूंगा। ठीक है, बोले श्री बद्रीनाथ की जय, बोले श्री केदारनाथ की जय, बोले गंगोत्री जमुनोत्री की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री सुत गोस्वामी भगवान के सारे अवतारों का नाम को गिना रहे थे, कैसे भगवान वत्स कुर्मा वराह नृसिंह वामन परशुराम बलराम बुद्ध कृष्ण कल्कि, उन्होंने 24 अवतारों को उन्होंने गिनाया। गिनाते गिनाते उन्होंने बोले कि जो कृष्ण है ये भी एक अवतार है। इतना बोल करके सुत गोस्वामी तो डर गए। बोले हमने बड़ी गड़बड़ी कर दी। बोले क्यों, बोले मैंने ये भी बता दिया ये कृष्ण भी एक अवतार, जो कृष्ण है ये अवतार नहीं है। बोले कृष्ण कौन है, बोले ये अवतारी। अवतारी का मतलब है जिनसे ये सारे अवतार आते हैं,
ये कृष्ण मूल पुरुष है जो सोलह कला में ये परिपूर्ण है। इसलिए आप लोगों ने महाभारत देखे होंगे, जिस समय महाभारत युद्ध होने जा रहा था और अर्जुन बता रहा था इनको मार करके क्या होगा अपना स्वजन को, इसलिए मैं तो भीख मांग करके ये जीवन को पाल लूंगा। इतने में कृष्ण अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाई, आप लोग देखे होंगे विराट रूप, इसलिए कृष्ण अपना विराट रूप में दिखाया, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूं। जितने मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बचरा जितने सारे अवतार देखो ये सब के समझे अंदर में, दुनिया मेरे अंदर में, जिसको ब्रह्मा कहते हो, जिसको शंकर कहते हो, जिसको देवी कहते हो, जिसको हनुमान कहते हो, जिसको गणेश कहते हो, यहाँ तक भी इंद्र चंद्र वायु, देखो अर्जुन मैं कौन हूँ। भगवान ने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ कर जगत में कोई परतत्व नहीं है, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान। बोले मई सर्वविदम पुरुक्तम सूत्रम मणि गणैव, जैसे एक फूल की माला बनाते हैं, जैसे उसमें धागा तो दिखते नहीं, फूल फूल दिखती है, लेकिन उसमें मूल रूप में कौन हूं मैं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। जब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ये 33 करोड़ देवताओं को अपने आप प्रणाम करना हो जाती, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी के अंदर में सारा दुनिया उनके अंदर में, सारा दुनिया इनके अंदर में। इसलिए श्री सुत गोस्वामी ने कहा भैया मैं गड़बड़ी कर दिया, बोल दिया ये कृष्ण भी एक अवतार। फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाते हैं, बोले एते चार सकला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनका ऋषियों, मैंने अभी तक जिन जिन अवतारों का नाम लिया है, ये कोई कृष्ण का अंश कोई कला कोई विकला, लेकिन ये कृष्ण कौन है, बोले ये पूर्ण ब्रह्म ये भगवान कृष्ण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है ये भगवान कृष्ण है। इन सही विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय इनसे ही होता है, इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में इनको स्थापन करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय वृंदावन मंदिर नंद है, वृंदावन मंदिर नंद है, रसिकी करत रस दुलहन प्यारी राधिका की दुलासा आई वृंदावन धाम किशोरी दिल जनन Thank you.
Thank you.
नेक जोर दे, नेक जोर दे जयकारा लगाएंगे सब मिलकर। बोलिए वृंदावन बिहारी राम की जय, जय श्री राधे। बोले द्वापर समन प्राप्ति तृतीय युग पर जाए, व्यास पराशर द्वगी तासव्याम कलया हरे। स्वर्णगाद ऋषि ने प्रश्न करते ही, हे सुत गोस्वामी आप कृपा करके बताओ, जैसे यहाँ कहा हो रही है, अगर किसी को निमंत्रण दो ना, हमारे श्री गिरिराज कुमारी जी कथा करवा रहे हैं, कथा सुनने के लिए आओ। अगर किसी को कोई छोटी मोटी कोई बिजनेस हो, नहीं तो दुकान हो ना, बोले भैया मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में केवल भारत के राजा नहीं थे, संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राजत्व कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने सात सात दिन तक कथा कैसे सुनी। और सुखदेव गोस्वामी वो ऐसे एक संत थे, एक जगह पर उतना समय तक वो टिकते थे जितने समय में एक गैया की दोहन हो जाए, गो दोहन हो जाए, उससे भी ज्यादा समय कोई टिकने वाले संत नहीं थे। लेकिन वो एक एक जगह पर बैठ करके सात सात दिन तक कथा कैसे सुना। फिर ये व्यास देव ने ये भागवत को फिर रचना क्यों की, इसलिए मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा हम कृपा करके सारे प्रश्न का हमें उत्तर दो। उसको सुन करके सुत गोस्वामी ने कहा, ये व्यास देव कोई साधारण नहीं, ये भगवान ये सजावे अवतार है। इन्होंने देखा ये घोर कलयुग आ गया, कलयुग में धीरे धीरे लोगों का जो बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएगा। पहले ये ग्रंथ ग्रंथ कुछ नहीं होता था, सबके सब जितने छात्र गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी सबके सब वेद वेदांत उपनिषद सब रटा लेते थे, सबके सब रट लेते थे। लेकिन कलयुग में देखो सबके सब हाइब्रिड देकर बन रही है, इसलिए स्मरण शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। एक बच्चे को मार्केट भेजो दो चार सामान लेने के लिए, बोले पर्ची बना करके दो, याद रहेगा, मतलब इतने याद दस्त कम हो जाएगी कलयुग में। इसलिए पहले एक वेद था, इन्होंने इसको चार वेद रूप में वर्णना किए, ऋग यजु श्याम और अथर्व। वेद मतलब होता है जो भगवान को जना दे। फिर उन्होंने उपनिषद बनाया, उपनिषद का मतलब है उप मतलब होता है पास में, निषद मतलब जी को जो भगवान तक ले जाए। उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाए, ब्रह्म सूत्र छोटा छोटा सूत्र होता है लेकिन उसका अंदर में अथाह समुद्र जैसे उसका अंदर में व्याख्या करते। उसके बाद में उन्होंने बनाए 17 पुराण बनाए, देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने पंचम वेद रूप में श्री महाभारत की रचना की जिसमें ये भगवत गीता आती है। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन श्री नारद जी आए, बोले व्यास लगता है तेरे भी मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आपने सही बात बताई, मैंने जीव के लिए तो इतने सारे कथा मैंने रचना की लेकिन ऐसे लगता है इसके अंदर में कुछ कमी है, गुरुदेव आप कृपा करके बताओ कमी क्या है। बोले बेटा, बोले जथा धर्म दशार्था मुनि वर्ज्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जिनो वर्णिता। बोले बेटा तुमने ये धर्म अर्थ और काम कैसे पैसा कमाओ, उसको दान कैसे करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, तुमने ये बात को तो बड़े बड़ा जाकर बता दिए लेकिन असली जो जीव का धर्म है ना इसी विषय पर तुमने नहीं बताया, इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही संसार, सबके सब भगवान के बच्चे हैं। हमारा जो परम कर्तव्य भगवान को प्रे करना, भगवान को करना, यह हमारा परम कर्तव्य। देखो तुमने एक पुराण आदि पढ़ना किया है, इसको जो पढ़ा ना जिंदगी भर झगड़ा लगेगा। जो सी पुराण पढ़ा, बोले भैया शंकर ही सबसे बड़े,
क्योंकि सत्यम शिवम सुंदर जब देवी पुराण का पड़ेगा बोले वही जगदम्बा जगत जननी। अगर कोई सूर्य देवता का जिसकी महिमा गाए बोले वही दुनिया को तेज राशिन जगत पते तेज को वही देने वाली। ब्रह्मा जी की पुराण पढ़ लो बोले ब्रह्मा तो दुनिया को सृष्टि की। अगर ये ग्रंथों को कोई पढ़ लेना केवल आपस आपस में भविष्य को लड़ाई लड़ रहे। लेकिन देख बेटा जी है वो ईश्वर का आशय है। अब देखना भले ही जिसको पूजा करना कर लो लेकिन जब अंतिम समय में शरीर तुम्हारी छूटेगी जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं। बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं। वो बोले कि राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल सत्य है सब परिवार झूठा है। बोले बेटा अगर तुम राम का नाम अगर कृष्ण का नाम लिए ना तेरे साथ में केवल वही जा रहा है और जो कुछ तुमने जीवन में किए केवल झूठे में झूठे में बताया जाए। यहाँ से कि सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। इसलिए अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो कोई देवा देवी बात इसमें मत बताओ क्योंकि जो जीव है वो सही अंश है। हमारा कर्तव्य ईश्वर की उपासना करना ये देवा देवी की उपासना हमारी कर्तव्य नहीं है। इसलिए तेरे को ये शांति नहीं मिल रही है। शुद्ध रूप में उनकी भक्त और भगवान केवल इन्हीं चरित्र को वर्णना करो किसी जीव को परम शांति और परम सुख मिला। और तुमने क्या बता दी देखो भजन कब करोगे बोले संसार करते करते जब एकदम रिटायर्ड लाइफ हो जाए कोई काम का मतलब नहीं रह जाओगे तभी एक दो माला कर लेना। ये बचपन से ये भक्ति करने का क्या जरूरत है। बोले देख बेटा ये जो मानव शरीर है ये दुर्लभ जीवन है और इसमें कोई विश्वास नहीं है कब ये शरीर छूटने वाला। ये प्रहलाद महाराज बच्चों को समझाते हैं बच्चों कौमार आचरते प्राज्ञम जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो। बोले 5 साल से क्यों करेंगे जब बड़े हो जाएंगे अभी करेंगे। बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है इतना दिन तक जिंदा रहेंगे कोई बता सकता है इतना दिन जिंदा रहेंगे। अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया तो बोले नहीं तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म ये जीवन 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ही मानव शरीर मिलता ये बारंबार ये जीवन नहीं मिलता है। इसलिए स्पष्ट रूप में बताओ भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए। देखो हमारे बड़े मुझे एक सुंदर कथा सुनाते थे आप लोगों को ध्यान लाया थे सुन। बोले एक समय नारद जी इसी जगत में आए सबको पास में गए देखा सबके सब दुखी जब वैकुंठ में पहुंचे देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। नारद जी बोले प्रभु जी दुनिया में सारे लोग दुखी दुखी कुछ लोगों को वैकुंठ में ले आओ ना कोई आपके लिए चंदन घिसेगा कोई आपके लिए फूल की माला बनाएगा कोई आपके लिए प्रसाद बनाएगा। ठाकुर जी ने कहा नारद जी मैंने 26 बार इस जगत में अवतार लिया लेकिन कोई भी आना नहीं चाहते। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं था इतने दुखी कोई आना नहीं चाह रहे हैं। बोले नहीं बोले प्रभु मैं दायित्व दो आज ये वैकुंठ को मैं भर दूंगा। बोले नारद जी जाओ तेरे ऊपर दायित्व दिया जो आना चाहते हैं उनको लेकर ये वैकुंठ में ले आओ पूरा वैकुंठ को भर। बस नारद जी सीधा उतर देखा एक किसान जेठ की महीना बड़ी कठोर परिश्रम खेती कर रहा है जमीन शरीर से पसीना पसीना बह रहा था सोचा ये तो जरूर वैकुंठ जाएगा। बोले भैया ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके वैकुंठ ले आओ वैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ वैकुंठ चलोगे। बोले तो अपना रास्ता देख। बोले वैकुंठ चलोगे हमारा बीबी बच्चे अभी खेती करूंगा गेहूं होगा बच्चों को पालूंगा। बोले वैकुंठ चलो मेरे पास में समय नहीं जाने का। और थोड़ी दूर गए दिखाए कि माता जी कुएं से पानी भर रहे थे। बोले ये तो जरूर जाएगी। बोले माता जी ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके वैकुंठ ले आओ। वैकुंठ मतलब क्या जहां जन्म नहीं रोग नहीं दुख नहीं कष्ट नहीं जरा व्याधि जहां आनंद ही आनंद है वैकुंठ लोग में वैकुंठ लोग चलोगे माता जी। बोले बाबा अभी अभी रोटी बना के आई हूँ अभी कुएं से पानी ले करके फिर सब्जी बना के बच्चों को खिलाऊंगी और तू कह रहे हो वैकुंठ जाना मेरे पास में वैकुंठ जाने का समय नहीं तो अपना रास्ता दे। अब इसको पूछे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। घूमते घूमते देखा एक 80 साल के बूढ़े
घर को दरवाजे को सामने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ, बोले ये तो जरूर जाएगा, क्योंकि और कोई घर का काम धंधा तो है नहीं, 80 साल में हो गए, जरूर जाएगा। नारद जी पूछे आपका नाम क्या है, बोले मेरे नाम है कैलाश। बोले वैकुंठ चलोगे, ठाकुर जी बोले जो मिले पढ़ करके ले, वैकुंठ चलोगे, बोले बाबा जाने का तो इच्छा है लेकिन केवल थोड़ी सी काम बाकी है। बोले कौन सा, बोले बेटा की सगाई हो गई, अभी अभी कुछ दिन में शादी हो जाएगी, फिर सिद्ध वैकुंठ चलोगा। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई हाँ भरा ही नहीं, और बड़े कष्ट से एक व्यक्ति हाँ भरा, नारद जी उसको पीछे पड़ गए। नारद जी बोले कब, बोले कुछ दिन में शादी हो जाएगी, फिर आ जाना, फिर चल जा। नारद जी फिर आए, बोले क्यों कैलाश, बेटा का शादी हो गया ठीक ठाक से, बोले आपका आशीर्वाद से सब सही हो गया। बोले वैकुंठ चलो, बोले नारद जी मन में तो और कोई इच्छा नहीं, केवल एक थोड़ी सी इच्छा है, क्योंकि पुत्र को देखो तो पूत नाम का नरक से मुक्ति मिलती है, अगर पुत्र को देखो ना नाती को देखो तो स्वर्ग होता है। अभी बहु गर्भवती है, उसने बाद में एक सुंदर बच्चा जन्म देने वाला, केवल इसको ही देख कर मैं सीधा विधान में चले जाऊं। नारद जी सोचे पहले बोल रहा था बेटा का शादी हो जाए, फिर बोलता है नाती का मुंह देख करके जाएगा। नारद बोले कम से कम जाने के लिए हाँ भरा। कुछ दिन बाद में नारद जी आए, देखा वहां पर वो है नहीं। बेटे से पूछा पिताजी कहाँ गए, बोले क्या बताऊं पिताजी स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, इतने कष्ट से एक चेला बनने वाला था वो चेला भी सिधार गए, लेकिन ये घर छोड़कर ये कहीं नहीं गया, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जब जब व्यापी शरण भाव तेरते अन्ते कलेवरम तम तम एव गमते सदा तद्भाव विभावित। देखो ध्यान के लिए सुनो, ये काम की बात है, कहते अंतिम समय में मरते समय भी जैसे जैसे चिंतन करते हुए मरेगा उसको ठीक वैसे ही जन्म होता है। बोले ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया, क्योंकि जो घर में इतने आसक्ति इसी घर में किसी ना किसी रूप में जन्म लिया। नारद जी जब ध्यान लगाए देखा इसी घर में वो कुत्ता बन कर के आया, ये घर में अभी कुत्ता बन कर के आया। नारद जी जाकर के बात किए, बोले क्यों कैलाश अभी तो घर के कुत्ते बन गए हो, अभी तो बैठे पर चल। बोले गुरु जी क्या बनाऊ, देखो ये जितने ही जमीन जागा थे ना इसको मैंने कष्ट करके कमाया, और ये बच्चे को क्या पता मैंने कितने कष्ट करके कमाया, ये रात को सो जाता है, कौन आ करके क्या उधार नहीं ले जाए, ये एकदम सो जा रहा है, इसलिए रात भर मेरे को ढवाल करना पड़ता भोग 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 कर भुगता रहता रात भर, जैसे कोई कोई चीज उठा करके नहीं ले जाए। बोले तब चलोगे, बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए फिर तो मैं चलूंगा। नारद जी और कुछ दिन बाद में आते हैं, देखा कुत्ता भी मर चुका। कैलाश कुत्ते कहाँ गया, बोले गुरु जी इतने बढ़िया कुत्ता था, अगर हम कहीं इसको घर में छोड़ करके चले जाते थे ना किसी को भी घर में घुसने नहीं देता था, एकदम हम निश्चिंत हो जाते थे, रात में कोई चिंतन नहीं, कोई भी एक चीज यहाँ से हाथ नहीं लगा सकता था, ऐसे कहा था क्यों वो घर का कुत्ता वही तो था मालिक, उसने तो कमाया इसलिए कुत्ता बन कर आया। देखो ये आसक्ति कितने जोर जबरदस्त है, आ करके देखा नारद जी ध्यान लगाया गया का, देखा घर में बैल बैल कर गया खेती करता है। नारद जी बोले क्यों कैलाश अभी तो बैल लग गया और अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी देखो ये जितने खेती ना मैं कष्ट करके कमाया था, ये बच्चा क्या करता है आधा तो खेती करता और आधा ये छोड़ देता है, मेरे को पता मैं कितने कष्ट करके कितने पैसा जोड़ जोड़ के जमीन खरीद लिया, इसको क्या पता मैंने कितने कष्ट करके किया, इसलिए इसको मैं जोर जबरदस्त लेकर के खेती करवाना पड़ता। बोले हे भगवान ये आसक्ति कितने जोर जबरदस्त आसक्ति है, खेती को खरीद किया तो उसके लिए जन्म तीन बार जाना पड़ता। बोले कब चलोगे, बोले गुरु जी बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए कर चुका। जो नारद जी कुछ दिन बाद में आते हैं वो बैल ही मर चुका होता है। नारद जी ने देखा गया का ध्यान लगा करके देखा, आपको पता होगा पहले पहले लोग क्या करते थे,
किसी कलसी में सोने चांदी को रख करके ना अपना बगीचा में गाड़ देते, चोरी नहीं हो जाएगा। उसने अपना बेटे को बताया नहीं, यहाँ पर मैंने गाड़ करके रखा, अभी उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को भी भटकने नहीं देता है वहां। नारद ने देखा तीन जन इसको पीछे मैंने बर्बाद कर जाऊंगा, जब तक ये डंडा नहीं बढ़ेगा ना ये ठंडा रहने वाला ना। नारद जी इसको बेटे को बुलाया, बोले इधर आ, तेरे पिताजी एक कलसी में कुछ सोने चांदी को मिट्टी को नीचे गाड़ कर गए हैं, जाते में बोल नहीं पाए, लेकिन उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बैठा हुआ, एक डंडा लेकर गया, उस मारना नहीं केवल उसकी कमर ही तोड़ देना। वो इतना भूस हो गया, मेरे पिताजी इतने धन दौलत छोड़ कर गए, बताया नहीं, सचमुच देखा कि जहरीले सर्प बैठा हुआ उसको ऊपर में, गया और मारा डंडा, एक डंडा मारा उसको कमर तोड़ी। देखना सांप की अगर कमर टूट जाए ना फिर भाग नहीं पाएगा, बोले वहां उसको फेंक दो वहां से, बोले गड्ढे खोद दो। देखा सचमुच से एक सोने की कलसी निकली जिसमें हीरे जवाहरात तुम्हारी पड़ेगी। जब उसको बेटा ले जा रहा था वो सांप तो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था, इतने दिन की कमाई मेरा बेटा ले जा रहा है। देखो आप लोग सोचोगे ना अरे सब गप्पे हैं, आपके सही बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम, ये बंगाल में झाड़ग्राम, मैं जब कथा सुना रहा था एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर लेकर के मेरे पास आया, बोले बाबा ये न्यूज पेपर बोल लो पढ़ो, वहां पर आपको कल मैं दिखाऊंगा वो न्यूज पेपर, कल दिखाऊंगा। उसमें एक व्यक्ति की भित्ति खनन हो रहा था, घर बनाएगा, फावड़ा में मिट्टी खोदते है ना, इतने में हठाठन आवाज आई, बोले भैया आवाज कहाँ से हुई, खोदे तो दो ऐसे पीतल का दो कलश निकले जिसके अंदर में सोने चांदी की मोहर है और दो जहरीले सर्प वो कलश के ऊपर में लपेट करके बैठे हुए और किसी को फटकने नहीं दे रहे थे। इतने में ये खबर चला गया पुलिस को पास में, पुलिस ये आ करके दोनों कलश को जब्त कर लिए और दोनों सर्पों को एक बोरी के अंदर में डाल करके करीब 3 किलोमीटर दूर पर उसको छोड़ कर भागा, 3 किलोमीटर आधा घंटा में था दोनों सर फिर वही मरे। आपको वो पेपर आकर मैं दिखाऊंगा, मैं कुछ दिन पहले कथा करने गया था झाड़ग्राम, ये मेदिनीपुर बंगाल में ही, आपको पेपर दिखाऊंगा कौन सा ग्राम कौन व्यक्ति और दो कलसी कैसे दिया हुआ उसमें कैसे बोहर है, तो सब कुछ दिखाया न्यूज पेपर में। ये गप्पे नहीं मत समझो, ये एकदम सही है। ये कृष्ण गीता में ये बात को स्वयं कहते हैं, ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्त आसक्ति है। इतने में श्री नारद जी सर्प से बोले, बोले कि ना क्यों क्या अभी भजन करोगे, बोले गुरुदेव अभी भजन करो, इसको पीछे मैंने 4 जन्म तक मैंने भटक लिया है और लास्ट में देखो मेरे कमर ही बेटा अपना बेटा कमर ही तोड़ दिया, अभी मैं भजन करूंगा गुरुदेव। श्री नारद जी मंत्र पुत करके उसको फिर पानी छिड़ाव कराते हैं, फिर चौथे जीवन में फिर वो इंसान बन करके आया, फिर नारद जी उनको मंत्र प्रदान की, फिर ले करके वैकुंठ गए। भगवान नारायण ने पूछा क्यों नारद जी तुम बोल रहा था एक दिन में ये वैकुंठ को भर दोगे, कितने लोग को तुम लेकर आया, बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, इसके पीछे 4 जन्म तक मैंने इसको पीछे भटक लिया और बड़े कष्ट से एक जीव को लेकर आया है। इसलिए यहाँ पर हाँ देखो आप लोग अभी ध्यान से सुनो, जो काम की बात मैं बताऊंगा आपको, आप संसार रहोगे संपूर्ण तुम्हारी आसक्ति संसार में रहेगी लेकिन तब भी तुम्हें बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। क्या उपाय है, इसलिए कृष्ण गीता में इसका उपाय कहते हैं, बोले हे अर्जुन बोले जत करोसी जत स्नासी जत जोसी ददासी जत जत तपससि कौन्तेय तद पुरुष मदरगण। कृष्ण गीता में कहते हैं संसार में रहो, खूब पैसा कमाओ, खूब घर बनाओ, खूब जमीनी जगह बनाओ, लेकिन आसक्ति कैसे नहीं होगी तुम्हारी, बा इसकी बंधन में कैसे नहीं पड़ोगे। भगवान कहते हैं अगर मेरे लिए अगर सब कुछ काम करोगे, घर सुंदर बनाओ, बोले किसके लिए, ये भगवान की दरबार है, ठाकुर जी के लिए बना रहे, घर में सुंदर सुंदर खा बनाओ,
बोले क्यों ये खाना बना रहे हो, बोले भगवान को भोग लगे इसलिए हम खाना बनाते हैं। खूब पैसा कमाओ क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। बोले पैसा क्यों तुम्हारे, बोले पैसा लक्ष्मी है, ये नारायण है कि हम भगवान की सेवा के लिए पैसा कमाते हैं। खूब पत्नी को प्यार करो, बोले क्यों, बोले ये पत्नी ठाकुर जी की सेवा करती है, भगवान की भक्ति करती है, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती है, ये ठाकुर जी के घर को देख रखवाली करती है। बच्चों को प्यार करो, बोले क्यों, बोले बच्चा बड़ा बन करके भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भजन करेगा, इसलिए हम बच्चों को प्यार करते हैं। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अगर हर चीज को तुम मेरे साथ में जोड़ दोगे ना, फिर ये संसार के बंधन तेरे को प्राप्त नहीं होगी। संपूर्ण संसार का प्रति आसक्ति रहेगा लेकिन तुम्हें संसार बंधन नहीं होगी। अब देखना जब व्यक्ति मरता है चार ही तरफ में परिवार घिरे हुए रहते हैं। बेटी कहती है पिताजी मेरे को पहचान रहे हो, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। आंख खोल कर देखता है, दामाद कहता है पिताजी पहचान रहे हो, मैं आपका छोटा दामाद हूँ। वो देखता रहता है, अब ना चार ही तरफ में पूरा परिवार घिरे रहते हैं, सबको देखते देखते वो अंतिम श्वास त्याग करता है। इसलिए तो ये 84 लाख जन्म में भटकना पड़ता। लेकिन अगर आपका परिवार सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, वो संसार भगवान का परिवार है, ठाकुर जी के परिवार है। अगर सबका प्रति आसक्ति होते हुए भी जाओगे, सबके गले में कंठी है, सब तिलक लगाते हैं, सबके सब घर में ठाकुर जी की माला जप करते हैं, अगर किसको देख कर जाओगे तो किसको देख कर गए, संतों को देख कर गए, भक्तों को दर्शन करते हुए गए, तुमको फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं हर चीज मेरे में जोड़ दो, कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज प्रभु की भक्ति को साथ में हमें जोड़ देनी चाहिए। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए श्री नारद जी कहते व्यास देव अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर रचना करो, इसी सहित में शांति मिलेगी। इतने में श्री व्यास देव जी बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखे, बड़े सुंदर उन्होंने भक्ति युक्त समाधि को द्वारा गोलोक वृंदावन का दर्शन की, बड़ा सुंदर भागवत ग्रंथ लिखे। बोले भैया ग्रंथ पढ़ाए किसको, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही बोले जन प्रभजन तम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आदि भाव। लेकिन जिसके लिए ये भागवत रचना की हो तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर चला गया, अभी उनको वापस कैसे लाए। बोले व्यास देव के चार चेले थे, बोले देखो चलो मेरा एक तोता था कहीं उड़ते हुए चला गया, उसका ला सकते हो। बोले गुरु जी जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये आपका तोता। बोले मेरे तोते को पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार में मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आ जाए समझना ये मेरी वही तोता है। तो उन्होंने पहला चेले को उन्होंने पहला मंत्र सिखाया। बोले मंत्र कौन सा है, बोले ये राधा रानी अपनी मुखार बिंद से ये बांके बिहारी कितने सुंदर हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं कन्हैया तू जती हो तो लाली गला कट जाती करण की, अच्छा हुआ तेरे परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, तू इतने सुंदर है ना, अगर तू लाली होती तो सारा दुनिया को पाने के लिए ना सारा दुनिया मर जाती लड़ाई कर, इतने कृष्ण सुंदर हैं। इसलिए अपनी मुखार बिंद से जो श्लोक उच्चारण की उन्होंने पहला चेले को सिखा दिया। बोले बराहा पीड़ा मुनटवर बहु कनयो करनिकारम विप्रतवास कनक कविषयम वैजयंति च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया प्रयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कृति। उन्होंने पहले चेले को ये श्लोक सिखा दिया। जब ये जंगल में भ्रमण करते करते ये श्लोक को बोल रहा था, सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म ज्ञानी थे,
जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति इस रूप में मानने वाले, लेकिन वो तो निर्विशेष निरंजन को उपासना कर रहे थे, लेकिन हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। जब उनको कानों में ये श्लोक पढ़ा ना, वो जो ब्रह्म ध्यान थे वो निकल करके आ गए। बोलो भैया जगत में इतने सुंदर हो सकता है? जगत में क्या अपूर्व सुंदर बांके बिहारी की छटा है, वो निकल करके आ गए। बोले भैया तुमको ये श्लोक मिला कहा? बोले मेरे गुरुजी ने कहा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, ये श्लोक सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आएगा वो मेरी वही था। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। बोले वो देखने में बड़े सुंदर बांके बिहारी, उनको रहते हैं कहाँ पर, उनका गांव कहाँ है? दूसरा चेला ने दूसरे श्लोक को बोल दिए, बोले जयती जन्म ब्रज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जिस लड़के से आप शादी कराओगे वो लड़का देखने में कैसे, सबसे पहले कोई चीज मत देखो, पहले देखोगे लड़का देखने में कैसे। कहते ना भैया पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है,